हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ जो अंतिम क्वेश्चन बता रहा था मैं पिछले लेक्चर में, वो थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस हो गया था मुझसे, जहाँ पे आप शायद पावर क्या था, क्या बोलते हो, थ्री पे पावर माइ क्वेश्चन मिला लें, थ्री पे पावर -1/8 है ना, और लॉग विथ बेस 3, 5 पे पावर क्या, x+1+1, तो यहाँ पे -1 रह जाएगा। देखो मैं बता दे रहा हूँ सुन करके, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको, तो यहाँ तक ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है, देख लो, थोड़ा इसीलिए क्यूबिक बन जा रहा था, अच्छा सही है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन में इधर उधर हो जाओगे तो गलती हो जाएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको। अब इसको क्या करते हैं, इसको नीचे ले आओ, किसको, 5 पे पावर x-1 को, यहीं से देख लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको ऐसे ऐसे लिखना था, 25 पे पावर x-1+7 सही है, और होल डिवाइडेड बाय, ऐसे लिखने बोल रहा हूँ, 5 पे पावर x-1+1, पावर माइनस है ना, तो नीचे आएगा तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, सही है, हाँ सर। अब चलिए अब ध्यान देंगे, अरे यार लफड़ा पट्टी, ठीक है अब ध्यान देना, अब इसको क्या लिखोगे, पहले वाले के लिए तो क्या 25 पे पावर x * क्या, सॉरी डिवाइडेड बाई क्या, 25, अब प्लस क्या 7, सही है, और होल डिवाइडेड बाई दूसरे वाले क्या लिख दोगे, 5 पे पावर x / क्या 5, और +1 = क्या 4, देखो तो यहाँ तक सही है, देख लो भाई, हाँ सर। अब 5 पे पावर x को टी एजूम कर ले, कोई दिक्कत नहीं था पिछला क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस हो गया था क्वेश्चन, अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा, ये t² / 25 हो जाएगा, सही है, यानी मैं सीधा लिख दूँ तो t² + क्या 175, और डिवाइडेड बाई क्या 25, सही है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 5 / सीधा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, t+5 = क्या 4, सही है, 5 जैसे कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों उधर चल देंगे तो क्या आ जाएगा, t² बोला ना क्यूबिक नहीं बनेगा, ये क्या आ जाएगा 25 × 4 = 20t, और 25 × 100 सोल्व कर लीजिए आसानी से हो जाएगा, अब t² - 20t और +75 = क्या 0, सही है, देख लो है ना, t - 5 t - 15, क्वेश्चन सुधारना था, मैं क्वेश्चन ही गलती लिख लिया था, ठीक है, तो टी की एक वैल्यू 5 आ जाएगा, और एक टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, कुछ गलती फिर से नहीं हो रहा है क्या, देखो तो 5 5 = 25 4 = 100, t - 5 t 5 = 15 सही है, और यहाँ क्या आ जाएगा 5 t 20 t 5 5 = 25 4 = 100, सब चीज़ सही है, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, फिर से, हाँ सही है, ठीक, और टी की वैल्यू क्या जाएगा 15 हो जाएगा, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 5 पे पावर x = क्या 5 पे पावर 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगा, और ये 5 पे पावर x = क्या 15, सही है, लॉग ले लो तरफ, लॉग ले लो क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा log 15, और यहाँ पे बेस क्या रहेगा 5 रहेगा, देख लो यहाँ तक सही है, जो लोग लॉग नहीं पढ़े हैं ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है यहाँ तक धैर्य बनाए रखिए, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाएगा, यहाँ तक स्क्रीन पॉज कीजिए, फटाक से लिखिए, मिटा रहा हूँ भाई। चलिए अब हेडिंग बदलते हैं, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे थे, तीनों को आप घर पे जाइए दोबारा कीजिए, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाएगा। चलिए आगे हेडिंग डालते हैं मिडिल टर्म्स, क्या पढ़ते हैं हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मिडिल टर्म्स, क्या पढ़ने वाले हैं, मिडिल टर्म्स, सही है, तो अगला आपका हेडिंग होगा मिडिल टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन, ये कुछ में कुछ है नहीं यार, बहुत लोग बहुत किताब में उल्टा सीधा बताते हैं बच्चों को, ये करो वो करो, ऐसा कुछ है नहीं, मान के चलो तो मिडिल टर्म्स में पढ़ा दिया आपको, ऐसा समझो, क्लियर हो, हाँ सर, देख लो, जैसे अपन क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है, कुछ थियोरी लिखने की जरूरत नहीं है, अपन किससे शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन से ही, जैसे देखो एक आसान सा क्वेश्चन, फाइंड मिडिल टर्म, क्या बताना है आपको, मिडिल टर्म क्या बताना है, मिडिल टर्म इन 2x + 1/x² / 8, इसमें क्या बताना है आपको,
मिडिल टर्म बताना है, सही है? क्या बताना है अपने को? मिडिल टर्म। तो कोई समस्या थोड़ी, आराम से बता सकते हैं मिडिल टर्म। हाँ सर, ये तो बात है। चलिए मिडिल टर्म कैसे बताएंगे यार? मिडिल टर्म के लिए करना कुछ थोड़ा ही है यार, सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली बात ये बताओ कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स अगर इस बाइनोमियल को एक्सपांड करोगे तो कितने टर्म आएंगे? 9 टर्म आएंगे। जितना पावर है उससे एक ज़्यादा होगा, होगा ना? हाँ सर। अब सोचो कि 9 लोग लाइन में खड़े हो, 9 लोग कहाँ खड़े हो? लाइन में। तो बीच वाला कौन होगा? 4 इधर गया, 4 उधर गया, 8 लोग तो बट गए। अरे 9 लोग लाइन में खड़े हो, कितने लोग खड़े हो? 9 लोग। 9 लोग लाइन में खड़े हो तो बीच में कौन होगा? पांचवा आदमी होगा, सही है? तो क्या लिखोगे सर? T5 इज मिडिल, देयरफॉर T5 इज मिडिल। पांचवा टर्म क्या होगा? मिडिल होगा। तो पांचवा टर्म ही फाइंड आउट करना है। पांचवा टर्म निकालना तो आपके लिए बाएं हाथ का गेम है। 8C4 और 2x पे पावर क्या आ जाएगा? 8-4 यानी क्या? 4। और 1/x² पे पावर क्या हो जाएगा? ये भी 4 हो जाएगा। सोल्व कर दें इसको, सही है? कोई दिक्कत नहीं, सही है? कुछ और क्वेश्चन देखिए। आपको बताना है मिडिल टर्म, क्या बताना है? मिडिल टर्म इन, है ना, 3x² माइनस 1/x पे पावर 5, सही है? पे पावर मान लो क्या है? 16। इसमें क्या बताना है अपने को? मिडिल टर्म, सही है? देख लो भैया, जिन बच्चों से बन रहा है बना ले आराम से, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना चाहिए। जिनसे नहीं बन रहा है वो मेरे साथ रहेंगे, और जिनसे बन पा रहा है बना ले पहले, उसके बाद मेरे साथ मिलाएं, ठीक है? हाँ सर, अपने को मिडिल टर्म चाहिए। क्या चाहिए अपने को? मिडिल टर्म। चलिए तो नंबर ऑफ टर्म, पहले नंबर ऑफ टर्म लिखा करो मिडिल टर्म निकालने से पहले। नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? 16+1 क्या 17 होंगे? 17 नंबर ऑफ टर्म होंगे ना यार? हाँ सर। अच्छा 17 होंगे, हाँ। तो मिडिल कौन होगा? 8 इधर गया, 8 उधर गया, 9वां मिडिल होगा। T9 इंच मिडिल, देयरफॉर क्या जाएगा? T9 इंच क्या? मिडिल। 9वां टर्म क्या होगा? मिडिल होगा। 9वां टर्म निकाल दो, खत्म। 9वां टर्म क्या जाएगा? T9 इंच कस्ट, T9 हो जाएगा 16C8 एक कम, सही है? और 3x² पे पावर दोनों का डिफरेंस यानी क्या? 8। और क्या जाएगा? -1/x पे पावर 5 पे होल पावर 8, खत्म। सॉल्व कर लीजिए इसको, जो भी आ जाए, सही है? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन लिखिए। मिडिल टर्म बताना है आपको, मिडिल टर्म इन, है ना, आपको क्या बताना है? मिडिल टर्म इन 2/3x इन 2/3x -3/2x पे पावर 20। इसमें क्या बताना है अपने को? मिडिल टर्म। ये x नीचे है, क्या बताना है? मिडिल टर्म बताना है। समझ में आ रहा है? क्या बताना है इसमें? मिडिल टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? 21 होंगे। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे भैया? 21 होंगे। हाँ सर, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? 21। अच्छा ठीक है सर, नंबर ऑफ टर्म तो हो जाएंगे 21। तो मिडिल कौन हो जाएगा? 11वां नंबर का, 10 इधर 10 उधर, तो T11 क्या हो जाएगा? T11 इज मिडिल। T11 क्या हो जाएगा? 20C10 और 2/3x पे पावर कितना हो जाएगा? 10 और -3/2x पे पावर कितना हो जाएगा? ये भी 10 हो जाएगा, सही है? देख लो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से, सही है यहाँ तक? हाँ सर। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए। मिडिल टर्म इन, आपको बताना है 1+2x+x² पे पावर 40। इसमें क्या बताना है आपको? मिडिल टर्म। क्या दिक्कत है? बेवकूफ बनाया गया है। क्या लिखा हुआ है? x प्लस वन का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है यार, तो होल स्क्वायर यहाँ पावर क्या जाएगा? 80 हो जाएगा। मिडिल टर्म निकाल लो, 41 मिडिल टर्म होगा, सही है? 41 क्या होगा? मिडिल टर्म होगा। तो T41 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80C क्या जाएगा? 40 और x पे पावर क्या? 40 और 1 पे कुछ पावर देने को मतलब नहीं है। देख लो यहाँ तक, सही है? लिखिए यहाँ तक आराम से। तो कभी ऐसे भी बेवकूफ बनाया जा सकता है आपको। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है? हाँ सर। चलिए
कुछ और क्वेश्चन करते हैं मिडिल टर्म पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड मिडिल टर्म, क्या बताना आपको? मिडिल टर्म इन 2/3x प्लस 1/x² पे पावर क्या लेते हैं? 7। इसमें थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देखो ना। चलिए मेरे साथ बने रहेंगे आप। नंबर ऑफ टर्म पहले बता दो, नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म 8 है। नंबर ऑफ टर्म क्या है? 8 है कि नहीं? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 8 है। अच्छा 8 टर्म है सर? हाँ सर 8 टर्म है। अब सुनो मेरी बात, 8 लोग लाइन में हो, कितने लोग लाइन में हो? 8 लोग। अगर 8 लोग लाइन में है, सोचिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मैं समझाने के लिए आपको ऐसे लिख रहा हूँ, 3 3 6 2 8, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है, एट है। आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई मिडिल में कौन है? मिडिल में तो कोई होगा ही नहीं यार, चार इधर चले गए, चार इधर बट गए, चार इधर बट गए, बराबर बट गए, तो मिडिल में कोई है ही नहीं। हाँ सर, तो अभी मिडिल होगा, मिडिल में ये होगा कंप्लीट पैकेज। ये देखो इधर 3 गया और इधर भी 3 दिख रहा है आपको, तो मिडिल कौन है? चौथा और पांचवा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बाइनोमियल एक्सपांशन में नंबर ऑफ टर्म इवन रहा तो 2 मिडिल टर्म होंगे, यानी पावर ऑड रहा तो 2 मिडिल टर्म। पावर ऑड रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज्यादा होता है, होता है? पावर ऑड रहा तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहा तो 2 मिडिल टर्म होंगे, सही है। क्या लिखोगे सर? देयरफॉर सर जी, T4 एंड T5 इज मिडिल, T4 एंड क्या, T5 इज क्या? 2 टर्म होंगे क्या? मिडिल। सही है, यहां तक देख लो भाई, T4 एंड T5 इज क्या? मिडिल। T4 और T5 क्या हो जाएंगे? मिडिल। अब T4 और T5 मिडिल हो जाएंगे, तो T4 और T5 आपने को बताना है। हाँ सर, तो T4 कैलकुलेट कर लें, T4 क्या हो जाएगा सर? 7c 4 है, यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। ये सब आप ध्यान रखिए, 2/3x पे पावर दोनों का डिफरेंस, 7 - 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 1/x² पे पावर क्या? 3। खुद से कर लो आगे, सही है, आगे नहीं बताऊंगा। और T5 क्या? T5 तो यहाँ क्या जाएगा? 7c 4, 2/3x पे पावर क्या? 7 - 4 3, और 1/x² पे पावर क्या? 4 हो जाएगा। देख लीजिए भाई, यही मिडिल है, सही है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आता है तो कैसे डील करना है, ये बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। जैसे एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मिडिल टर्म मिड टर्म या मिडिल टर्म इन, आपको मिड टर्म बताना है इन किसमें? एक्स पे पावर 4 माइनस 1/x³, एक्स पे पावर 4 माइनस 1/x³ पे पावर क्या? 11। इसमें क्या बताना है? मिड टर्म बताना है, मिडिल टर्म, सही है। क्या बताना है अपने को? मिडिल टर्म बताना है। तो क्या दिक्कत है यार, बड़े आसानी से बताया जा सकता है। हाँ सर, चलिए ध्यान दें, मिड टर्म बताना है। हाँ सर, अब मिड टर्म बताना है यार, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? 12 होंगे। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे? 12। अब 12 होंगे, 12 हो गए, 6 लोग इधर, 6 लोग इधर, सही है। तो इधर का क्या, इधर का क्या लिए थे? इधर का लास्ट वाला, इधर का क्या? फर्स्ट वाला। तो इधर का लास्ट वाला क्या आ गया? छठवां। उधर का फर्स्ट वाला क्या आ गया? 7th। T6 एंड T7 आर क्या? मिडिल। देयरफॉर T6 एंड T7 आर क्या? मिडिल। 6th और 7th टर्म क्या है? मिडिल है, सही है। तो 6th और 7th फाइंड आउट कर लीजिए, सही है। तो T6 क्या आ जाएगा? T6 जो होगा सर, वो हो जाएगा 11c 5, एक्स पे पावर 4 पे दोनों का डिफरेंस 6, और माइनस 1/x³ माइनस रहेगा भाई, पे पावर क्या? 5, सही है। देख लो यार, सही है ना। अब क्या चाहिए आपको? 7th। तो T7 क्या जाएगा? 11c 6, और x पे पावर 4 पे पावर क्या? 5, और माइनस 1/x³ पे पावर कितना? 6 हो जाएगा, सही है। देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, आपको मिड टर्म ही बताना है। क्या बताना है? मिड टर्म, मिड टर्म सीन किसमें बताना है यार? 3x - 2x² पे पावर क्या? 15। इसमें क्या बताना है अपने को? मिड टर्म बताना है, सही है। हाँ सर, क्या दिक्कत है यार,
हो जाएगा ना। चलो देखते हैं नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, 16, 15 प्लस 1 16, तो 8 लोग इधर गए 8 लोग उधर जाएंगे, तो T8 एंड T9 क्या T8 एंड क्या T9 आर मिडिल फाइंड आउट कर लो यहाँ से खुद, अब फालतू का टाइम पास मैं नहीं करूँगा, फाइंड आउट करें यहाँ से। सही है, हाँ सर, चलिए यहाँ तक लिखिए भैया फटाफट लिखिए। तो मिड टर्म आपको फाइंड आउट करने आ गया, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, हाँ सर, चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे एक आध क्वेश्चन और देख लो आपकी किताब में, हो सकता है आप 11th में आए होंगे तो हड़बड़ा जाओगे, मैं बस है ना मिडिल में पूरा नहीं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को। सही, जहाँ तक आप अटकोगे, जहाँ तक आप फंसने की चांस है वो बता दे रहा हूँ, देख लो। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है ऐसा, मिड टर्म इन मिड टर्म्स इन 1 + 3x + 3x² + x³ पे होल पावर 2n, इसमें क्या बताना है, मिड टर्म बताना है। क्या यार है, कुछ नहीं है क्या है? ये 1 + x का होल क्यूब तो लिखा हुआ अंदर वाला, लिखा हुआ है ना, अरे जो अंदर वाला है वो क्या है, 1 + x का होल क्यूब है, तो पावर 3, तो पावर क्या जाएगा 6n हो जाएगा। अभी मिड टर्म निकाल दो। सही है, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, क्या जाएगा 6n + 1, ऑड हुआ ना नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या हुआ ऑड, ये इवन है 6n, 6 का मल्टीपल क्या होता है इवन होता है, तो 3n इधर 3n इधर। सही, मिड कौन हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा 3n + 1, मिड क्या हो जाएगा, मिड इज क्या लिखोगे सर, मिड इज 3n + 1, मिड इज क्या 3n + 1, तो ये 3n + 1 फाइंड आउट कर लो, 6n, सी क्या 3n, 1 पे पावर देने की जरूरत है नहीं, x पे पावर क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, यही हो जाएगा, देख लीजिए। क्लियर, हाँ सर, देख लो भाई कोई ज़्यादा समस्या नहीं जानता चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आपको सॉल्व कर देना है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिड टर्म पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बेवजह का। चलिए थोड़ा अब हेडिंग बदलते हैं अपन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, या कोफिशियंट मतलब एक्स पे पावर का कोफिशियंट कैलकुलेशन। सही है, सही है, जैसे क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ और समझेंगे आप। क्वेश्चन लिखिए फाइंड, और इसी में जो थ्योरी वगैरह जो भी आपको मेंशन करना होगा लिख लीजिएगा, फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक मिनट रुक जाना, क्वेश्चन मत लिखना तुम लोग, है ना, इधर लिख लो x² + 1/2x पे पावर 10, 10c4 एक्स पे पावर 12, है ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर 8 इन इसमें, इसमें क्या बताना है, कोफिशियंट ऑफ क्या, एक्स पे पावर क्या 8। सही है, देख लो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं क्लास 11th में हो तो, आपको बताना है कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर 8 इन x² + 1/2x पे पावर क्या 10। पहली बात, मैं आपसे आठवां टर्म नहीं पूछा हूँ, ये सब दिमाग से निकाल दो मिसकंसेप्शन, कोई ज़रूरी नहीं है कि आठवें एट्थ टर्म में ही एक्स पे पावर 8 आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहले दिमाग से आप निकाल लें कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आठवें टर्म से ही क्या है एक्स पे पावर, सही है, 8 आए, सही है, क्या है एक्स पे पावर 8 आए, तो ये सब दिमाग से मिसकंसेप्शन आप निकाल दें, एक्स पे पावर 8 कहीं पे भी आ सकता है, एक्स पे पावर 8 कहीं पे भी आ सकता है,
सही है। अब इसके लिए ऐसे क्वेश्चन करना कि एक्स पे कोई भी पावर का कोफिशियंट आपसे पूछा जा सकता है। एक होता है इंडिपेंडेंट टर्म, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, मतलब उसमें एक्स पे पावर जीरो, एक्स हो ही नहीं तो एक्स पे पावर जीरो हो मतलब वन, है ना। हाँ सर, चलिए तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहला स्टेप मैं स्टेप बाय लिख दे रहा हूँ, स्टेप वन, सही है, स्टेप वन नया होगा उसमें, सही है। स्टेप वन में क्या करना है आपको, फाइंड टी आर प्लस वन, आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी आर प्लस वन, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। पहले आप लिखे, सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, टी आर प्लस वन, सही है। तो कोई भी बायनोमियल का टी आर प्लस वन टर्म निकालना जानते हो आप, हाँ सर, तो टी आर प्लस वन लिख लें उसमें, क्या आ जाएगा सर, टी आर प्लस वन इज इक्वल हो जाएगा टेन सी आर, टेन सी क्या आर, और एक्स स्क्वायर पे पावर, एक्स स्क्वायर पे पावर क्या आ जाएगा टेन माइनस आर, और वन बाई टू एक्स पे पावर क्या आ जाएगा आर, ये लिख पाओगे, सही है। स्टेप टू, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, सिंप्लीफाई करना है और क्या करना है, कैलकुलेट टोटल पावर ऑफ एक्स, टोटल पावर ऑफ एक्स आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको, और एक्स पे जो भी टोटल पावर है उसको कैलकुलेट कीजिए, सही है। हाँ सर, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं यार, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, ध्यान देंगे टेन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। एक्स पे पावर ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे, ट्वेंटी माइनस क्या हो जाएगा टू आर इन टू वन बाई टू पे पावर आर, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, सही, यहाँ तक देख लो, देख लो पावर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना दोनों के ऊपर, तो नीचे क्या हो जाएगा टेन सी आर एक्स पे पावर, ये देखो ये एक्स पे पावर आर और ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे बेस सेम है, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा थ्री आर, सही है, इन टू वन बाई टू पे पावर क्या आर, सही है। या इसको इधर लिख सकते हो वन बाई टू पे पावर आर को, टेन सी आर यहाँ पे लिख लें और एक्स वाले पावर को पीछे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भैया तक देख लो, सही है। हाँ सर, अब सुनो मेरी बात, ये जो पावर है एक्स पे जो पावर है दैट इज इक्वल टू क्या है, एट है ना, क्या है उसकी वैल्यू, एट है ना, हाँ सर, सही है। तो क्या लिखोगे सर, देयरफॉर 20 माइनस थ्री आर, 20 माइनस थ्री आर की वैल्यू क्या हो जाएगा एट हो जाएगा, होगा, हाँ सर। अब आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, तो थ्री आर उधर जाएगा एट इधर आएगा, तो आर की वैल्यू 12 बाई थ्री यानी 4 आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, सही है, देख लो भाई आर की वैल्यू क्या आ गया 4 लिखा हुआ है, सही है। अब आर 4 मिल गया तो आपको कोफिशियंट चाहिए ना, तो कोफिशियंट तो ये वाला है, अरे ये क्या लिखा हुआ है ये देखो, ये जो चीज़ है ये वाला, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स पे पावर एट ही तो लिखा हुआ है, उसका कोफिशियंट तो यही कहला है ना एक्स पे पावर एट का, सही है, कोफिशियंट यही हुआ ना, टेन सी आर इंटू वन बाई टू पे पावर आर, हाँ सर। क्या लिखो सर, देयरफॉर कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर एट इज क्या आ जाएगा, ये जाएगा टेन सी आर इंटू वन बाई टू पे पावर क्या आर, यानी क्या हो जाएगा टेन सी फोर हो जाएगा इंटू वन बाई टू पे पावर क्या आ जाएगा फोर हो जाएगा, सॉल्व कर लो उसको जो भी आंसर आ जाए, टेन सी फोर वगैरह की वैल्यू आप निकालना जानते हो, मैं ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकता उसमें, वो सब चीज़ आप खुद से करोगे, क्लियर हो, हाँ सर। जैसे एक और क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर टेन, आपको बताना है क्या कोफिशियंट ऑफ क्या एक्स पे पावर टेन इन, किस में बताना है, आपको बताना है टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स पे पावर 20, कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर 10 इन टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स पे पावर 20, इसमें कोफिशियंट किसका बताना है, एक्स पे पावर क्या 10 का, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो फटाफट देखना, अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे सर टी आर प्लस वन, ठीक क्या हो जाएगा 20 सी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, होगा, और क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा 20 माइनस आर, और माइनस वन बाई एक्स पे पावर क्या हो जाएगा आर, यही ना, हाँ सर। एक्स पे पावर वाले को पीछे लिखो, बाकी सबको आगे लिख लो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 सी आर और 2 पे पावर 20 माइनस आर, सही है, और माइनस वन पे पावर आर ये वाला इंटू एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
टू कितना हो जाएगा यार, टू पे पावर 20 माइनस, ये एक्स पे पावर क्या जाएगा 40 माइनस 2r, 40 माइनस 2r, और ये एक्स पे पावर ऊपर जाएगा तो 40 माइनस क्या जाएगा 3r हो जाएगा। देख लो सोल्व किया हूँ, सही है। ये वाला जो चीज़ है कौन, ये तो कोफिशियंट है, ये सही है, ये एक्स पे पावर है ये वाला। देखो यार, देखो भाई इधर लिख लो लेफ्ट साइड में फटाक से, लेफ्ट साइड में जल्दी से लिखे, मिटा रहा हूँ। ठीक है यहाँ तक, हाँ सर। तो x पे पावर किसका बताना है, कोफिशियंट 8 का, सही है, हाँ सर। x पे पावर किसका बताना है, 8 का, आप ध्यान देना, क्या दिक्कत है x पे पावर 8 का बताने के लिए, सही है, बड़े आराम से हो जाएगा। वो जो पावर है 40 माइनस 3 यार, उसकी वैल्यू किसके इक्वल करवा दो, 8 के इक्वल करवा दो, नहीं 10 का ना, हाँ। देयरफॉर सर 40 माइनस 3 यार, 40 माइनस 3 आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 सॉरी, है ना। तो 3 आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, 30, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देख लो यहाँ तक, आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, सही है, आर कितना आ गया, 10। अब तो कोई समस्या ही नहीं है यार, आर 10 आ गया तो, हाँ सर। तब निकाल लो कोफिशियंट ऑफ, क्या चाहिए था आपको, आपको चाहिए था कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर 10, है ना। तो कोफिशियंट हो जाएगा, कोफिशियंट क्या है, 20 सी आर, टू पे पावर क्या 20 माइनस आर, और माइनस वन पे पावर आर। अब सुनो ये हो जाएगा 20 सी 10, और टू पे पावर 20 माइनस 10 क्या, टू पे पावर 10, माइनस वन पे पावर 10, और प्लस वन हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, सही है। देख लो भाई, देख लो, सही है, हाँ। क्लास 11 में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर 9, फाइंड कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर क्या 9, आपको किसका कोफिशियंट बताना है, एक्स पे पावर 9 का, इन एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स पे पावर 9, इन एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स पे पावर क्या 9, किसका कोफिशियंट बताना है यार, एक्स पे पावर क्या 9 का, ये 3 लिखा हुआ है, सही है, क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, क्लियर, उधर मिटा रहा हूँ भाई। करोगे क्या, करना तो कुछ है नहीं सर, बेफालतू का क्वेश्चन है, क्या करोगे, ध्यान देना, टी आर प्लस वन लिखोगे, थोड़ा सा झाँक लीजिए इसको, टी आर प्लस वन, तो टी आर प्लस वन क्या आ जाएगा भाई, टी आर प्लस वन जो होगा वो क्या आ जाएगा, 9 सी क्या आ जाएगा, r हो जाएगा, और x स्क्वायर पे पावर क्या आ जाएगा, 9 माइनस आर, सही, x स्क्वायर पे पावर क्या आ जाएगा, 9 माइनस आर, और माइनस 1/3 x पे पावर क्या आ जाएगा r, जिन बच्चों को समझ में आ रहा कर ले खुद से, माइनस 1/3 x पे पावर क्या आ जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है, हाँ सर, क्लियर हो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, जगह 9cr और माइनस 1/3 पे पावर r को इधर ले लिया, ये दोनों को, और x पे पावर क्या जगह 18 माइनस 2r यानी माइनस 3r, देख लो यार यहाँ तक, सही है, हाँ सर। अब ये तो कोफिशियंट हो जाएगा कौन, ये वाला, ये चीज़ कोफिशियंट है और ये x का पावर है, तो 18 माइनस 3r की वैल्यू किसके इक्वल करवा दोगे, 9 के इक्वल करवा दोगे, है ना, हाँ सर। तो 18 माइनस 3r इज इक्वल टू क्या जाएगा, 9 हो जाएगा, सही, इधर ले आओ तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोफिशियंट कितना हो जाएगा, कोफिशियंट जो हो जाएगा वो 9c3 हो जाएगा, और माइनस 1/3 पे पावर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1/27 हो जाएगा, और 9c3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, सही है, हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड कोफिशियंट ऑफ, फाइंड क्या, कोफिशियंट ऑफ किसका, आपको बताना है कोफिशियंट ए पे पावर 5 इंटू बी पे पावर 7, इन ए पे पावर 5 इंटू बी पे पावर 7, इन किस में, ए माइनस 2b पे पावर 12, इन ए माइनस 2b पे पावर क्या 12, सही है। देख लो भाई, इधर मिटा रहा हूँ, फटाक से लिखो, जल्दी से लिखो, सही है, हाँ सर, मिटा रहा हूँ शेड्यूल।
कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से हो जाएगा। चलिए देखिए इधर। अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ तो जो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन उसमें दो ही टर्म है, हो सकता है कि दो टर्म रहेगा, इधर भी दो टर्म रहेगा, वैसा वाला मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। सही है, जैसे ऐसा रहेगा कि फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स इन वन माइनस टू एक्स प्लस टू, मतलब दो टर्म्स मल्टीप्लाई में रहेंगे, एक बाइनोमियल एक इधर बाइनोमियल या फिर एक छोटा सा एक्सप्रेशन इधर और इधर, वैसे क्वेश्चन मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले सेक्शन में नहीं कराऊंगा, उसका मजा अभी खराब नहीं करना चाहता क्योंकि वैसे क्वेश्चन अपन बहुत करने वाले हैं। सही है, तो अभी यहाँ पे करा के मैं मजा क्रिया नहीं करना चाहता हूँ, अभी जो यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ सिर्फ दो टर्म वाले कोफिशियंट कैलकुलेट करवा रहा हूँ ना, ए प्लस बी पे बार एन टाइप का, बाकी ऐसा नहीं कि वैसा वाला नहीं बन पाएगा, हो जाए। अरे यार सॉरी, मिटा दिया ना क्वेश्चन। अच्छा ठीक है चलो, चलिए ध्यान देंगे। इसमें लिखा हुआ है फाइंड कोफिशियंट ऑफ ना ए पे पावर फाइव और बी पे पावर क्या सेवन, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से, ध्यान दें। तो वैसे क्वेश्चन में बहुत सारे कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, दो तीन टर्म जो मल्टीप्लाई में रहेंगे। चलिए आप क्या फाइंड करोगे पहले, पहले सर टी आर प्लस वन, तो टी आर प्लस वन क्या होगा सर, टी आर प्लस वन हो जाएगा ट्वेल्व सी आर, ट्वेल्व सी आर, और ए पे पावर क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस आर, और माइनस टू बी पे पावर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। सही है, देख लो यहाँ तक। हाँ सर, अब इसके बाद क्या करोगे यार, इसके बाद कुछ नहीं करेंगे सर, ट्वेल्व सी आर सही है, माइनस टू पे पावर आर को आगे ले लिया, और ए पे पावर क्या ट्वेल्व माइनस आर, और बी पे पावर क्या आर, ए पे पावर जो है उसको किसके इक्वल करवा दो, ट्वेल्व माइनस आर की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए फाइव, और ये वाला आर की इक्वल किसके इक्वल होना चाहिए सेवन, दोनों से देखो आर की वैल्यू सेम ही आ रहा होगा, सेवन सेम आना भी चाहिए, नहीं सेम आएगा तो गलत है क्वेश्चन। सही है, हाँ सर, क्या आ जाएगा देयरफॉर कोफिशिएंट, आपको तो कोफिशिएंट लिखना है, कोफिशिएंट हो जाएगा कितना 12 सी आर माइनस टू पे पावर आर, यानी माइनस टू पे पावर क्या सेवन। सही है, देख लो यार 12 सी यहाँ पे कितना हो जाएगा सेवन, देख लो ये आंसर हो जाएगा, देख लीजिए भैया यहाँ तक कोई ज़्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए आपको, फटाक से लिख ले, क्लियर हो। हाँ सर जल्दी से लिखो, मिटा रहा हूँ।